नामांकन के आखिरी दिन बुरहानपुर में भाजपा की उम्मीदवार अर्चना चिटनी सहित कई दल व निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन भरा। बुरहानपुर विधानसभा से दो बार विधायक रही मंत्री अर्चना चिटनीस ने अपने कार्यकाल में हुए विकास को गिनाते हुए बुरहानपुर को विकास की ओर अग्रसर होना बताया। और आज भाई दूज के दिन एक बार फिर प्रण लेती हूँ बुरहानपुर को आगे बढ़ाने का। बुरहानपुर के लोगों की सेवा करने के लिए निरंतर मैं, मेरे साथी कार्यकर्ता दल, कार्यकर्ता मेरे सभी, मेरे भाई बहन, हम सब मिलकर निरंतर सेवा करते रहे हैं। आगे भी यही क्रम चलता रहेगा और बुरहानपुर की जीत इस बार इतिहास रचने वाली जीत होगी। तो वही निर्दलीय प्रत्याशियों ने आरोप लगाते हुए बुरहानपुर विधायक रही मंत्री चिटनीस के कार्यकाल को भ्रष्ट बताते हुए बुरहानपुर को पीछे धकेलने की बात कही। मुद्दे तो बुरहानपुर में मुद्दों की कमी नहीं है। मेरी प्रायोरिटी बुरहानपुर के लिए, बुरहानपुर के विकास के लिए रहेगी और जो यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है मैं उसको उजागर भी करूँगा और जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उन दोषियों को मैं सजा दिलाने का प्रयास करूँगा। सभी प्रत्याशियों ने अलग अलग मुद्दों पर चुनाव लड़ने और चुनाव में जीत हासिल करने की बात कही। और यहाँ का जो बुरहानपुर का आपने सभी पत्रकार आप अगर घूमेंगे तो पूरा वातावरण अस्त व्यस्त, यहाँ की व्यवस्थाएं जो प्रशासन को शासन को करनी थी एकदम से निष्ठुर हो गई है। हर जगह ट्रैफिक है, हर जगह गंदगी है, हर जगह बीमारी है, हर दूसरे तीसरे घर में यहाँ पर कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं, टीबी के मरीज बढ़ रहे हैं, डायबिटीज के मरीज बढ़ रहे हैं, युवाओं के अंदर रोजगार नहीं है। माँ ताप्ती का इतना उत्खनन कर दिया, उनका छीना छलनी कर दिया है कि हम तड़प रहे हैं संत लोग, और हमारे महाराज को हमने इसीलिए उतारा है बुरहानपुर से ताकि बुरहानपुर की जनता का विकास हो, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले। जिस प्रकार से एक ही परिवार के लोग यहाँ पर 50 साल से शासन कर रहे हैं तो ये लोकतंत्र है कि राजतंत्र है? ये डेमोक्रेसी है या फिर ये क्या है, हिपोक्रेसी बना के रख रखा है इसको। तो वही दूसरी तरफ ठाकुर सुरेंद्र सिंह ने निर्दलीय फॉर्म भरते हुए कांग्रेस से इस्तीफा देने की बात कही। उन्होंने कहा कि अब तो जनता जनार्दन का निर्णय है कि हम निर्दलीय चुनाव लड़े, इसके लिए चाहे हमें कांग्रेस पार्टी ही क्यों न छोड़ना पड़े। फिर जोता किसान तीसरा चाबी बड़े भैया ने फसल काटा किसान के ऊपर चुनाव लड़ा था, वो क्यों मांग रहे हैं? वो निशान है नहीं उसमें, जो भी पॉपुलर निशान होता है वो हटा देती है पार्टी, गवर्नमेंट ने झोपड़ी हटा दी, फसल काटा किसान हटा दिया। कांग्रेस से इस्तीफा हो गया है कि अभी सब कार्यकर्ता हम मिलकर दे गए थे? हो गया, अब आपने इस्तीफा दे दिया, हमने भी दे दिया। अच्छा, जनता बोलती है कि रैली नहीं रैला है, शेरा भैया का मेला, इसमें आप कहते हैं जनता की आवाज़ है भैया, जनता का चुनाव हो रहा है, जनता खुद लड़ रही खुद के लिए, ये चुनाव जो हो रहा है इसमें मेरा नाम है, लेकिन जनता चुनाव लड़ेगी और जनता ही एमएलए बनेगी इस बार। बुरहानपुर से नौशाद नूर की रिपोर्ट।